नमस्कार, वेलकम टू लेट्स कुक अप। आज चिल्ड्रंस डे एपिसोड है एंड ये रीजन है कि मैं आज दो डिश बनाने वाला हूँ एक ही वीडियो में। बच्चे लोग को बेसिकली वड़ा काफी पसंद है, इस वड़ा के साथ मैं रसम को भी इंक्लूड कर रहा हूँ एंड आज जो मैं डिश बनाने वाला हूँ वो है रसम वड़ा। तो चलो बनाते हैं रसम वड़ा। रसम बनाने के लिए हमें चौथाई कप तूर दाल लगेगा, साथ में दो टमाटर, यहाँ पे मैंने एक नींबू के साइज का इमली लिया है, एक टेबलस्पून फाइनली चॉप लहसुन, वगार के लिए दो टेबलस्पून घी, एक टीस्पून राई, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और दो सूखा लाल मिर्च और फाइनली चॉप धनिया। रसम बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका मसाला। मार्केट में आजकल रेडीमेड रसम पाउडर मिलता है बट मैं प्रीफर करता हूँ घर पे ही रसम पाउडर बनाओ। एंड रसम मसाला बनाने के लिए हमें आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच जीरा, यहाँ पे मैंने दोनों टाइप का लाल मिर्च का पाउडर यूज़ किया है, एक तीखापन के लिए और दूसरा कलर के लिए। ये अक्का हींग है, अगर आपके पास अक्का हींग नहीं है तो आप हींग पाउडर भी यूज कर सकते हो आधा चम्मच, साथ में हल्दी आधा टीस्पून और ये मेथी का पाउडर क्वार्टर टीस्पून। सबसे पहले हम जो तूर दाल है इसको तीन से चार बार अच्छे से पानी में साफ कर लेते हैं एंड इसको हम कुकर में ऐड कर लेते हैं। ये मैंने चौथाई कप तूर दाल लिया है, इसमें हम डेढ़ कप पानी ऐड कर लेते हैं। इस तूर दाल में हम हींग भी ऐड करेंगे, मैं अक्का हींग यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए अभी ऐड कर रहा हूँ, अगर आपके पास अक्का हींग नहीं है और हींग का पाउडर है तो आप इसको बाद में ऐड करो। इसी के साथ हम ऐड कर लेते हैं हल्दी पाउडर, यहाँ पे मैंने आधा टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है वो ऐड कर लेता हूँ। इसको अब अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं एंड तीन सीटी तक कुक कर लेते हैं। हमने जो दो टमाटर लिया था इसको थोड़े से पानी में तीन से चार मिनट तक बॉईल कर लेते हैं। बॉईल होने के बाद इसका छिलका निकाल के हम इसको फाइनली चॉप कर लेंगे। हमने जो तूर दाल हींग और हल्दी डाल के जो तीन सीटी कुक किया था इसको हमने एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालकर अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो बॉईल करके छिलका निकाल के जो फाइनली चॉप किया हुआ टमाटर इसमें ऐड करेंगे, साथ में हम इमली का पानी ऐड करेंगे, हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। चौथाई टीस्पून मेथी का पाउडर, मैं इंग्रेडिएंट्स के टाइम आपको नमक बताना भूल गया तो नमक टेस्ट के हिसाब से, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, जीरा, लाल मिर्च का पाउडर, ये कलर वाला है लाल मिर्च का पाउडर, ये तीखापन के लिए, एक बड़ा टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड लहसुन और फाइनली चॉप्ड धनिया। इसको अब हम अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेते हैं। हाथ से हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो मसाले का फ्लेवर है अच्छे से मिक्स हो जाएगा और रसम काफी टेस्टी बनता है। तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसको हम एक कुकर में ट्रांसफर करते हैं। रसम जो होता है उसका कंसिस्टेंसी पानी के जैसा होता है, इसलिए हम पानी इसमें भरपूर ऐड करेंगे। अब इसका हम टेस्ट चेक कर लेते हैं सब प्रॉपर है कि नहीं, अगर कुछ आपको कम लगे तो इसके हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हो।
इसमें मैं थोड़ा और इमली का पानी ऐड कर लेता हूँ। मैंने ये रसम टेस्ट किया और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेथी, हींग और नमक थोड़ा सा कम है, तो मैं उसके हिसाब से ऐड कर रहा हूँ। आप भी इसको टेस्ट कर लेना एंड आपको जो कम लगे वो ऐड कर सकते हो। अब इसको हम मीडियम फ्लेम में विसिल रख के इसको कुक करना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि विसिल आने से पहले इसको बंद करना है। विसिल आएगा तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट ट्राई करो विसिल आने से पहले इसको बंद करें ताकि जो रसम का फ्लेवर है वो ना निकले। जैसे आप देख सकते हो विसिल आने ही वाला है, अब इसको हम बंद करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला विसिल नहीं आना चाहिए ताकि इसका जो फ्लेवर है रसम का फ्लेवर वो निकलना नहीं चाहिए। अब हम रसम का तड़का बनाते हैं, जिसके लिए हमने एक छोटा सा कढ़ाई लिया है। इसमें हम 2 छोटा चम्मच घी ऐड करेंगे। घी गर्म होने के बाद हम ऐड कर लेते हैं राई। ये मैंने 1 टीस्पून राई लिया है। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं करी पत्ता। सूखा लाल मिर्च भी ऐड कर लेते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं एंड रसम में ऐड कर लेंगे। इसमें अब थोड़ा सा हम धनिया भी ऐड कर लेते हैं फॉर गार्निश एंड हमारा रसम रेडी। तो रसा वड़ा में वड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप उड़द दाल लिया है, ये अराउंड 3 चम्मच पानी लिया है, तलने के लिए तेल और नमक स्वाद अनुसार। जो हमने 1 कप उड़द दाल लिया है उसको हमने अच्छे से साफ करके 3 से 4 घंटा पानी में भिगो के रखा है। मैंने इसे ऑलरेडी भिगो के रखा है, अब हम आगे के प्रोसेस कर लेते हैं। सबसे पहले एक मिक्सर में हम ये जो भिगो के रखा हुआ उड़द दाल ऐड कर लेते हैं। ये उड़द दाल में हम नमक ऐड कर लेते हैं टेस्ट के हिसाब से। इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसमें चम्मच की क्वांटिटी में पानी ऐड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 चम्मच पहले ऐड करूँगा और इसको अच्छे से पीसूँगा। अब मैंने इसमें उड़द दाल, नमक और 2 चम्मच पानी ऐड किया है। अब इसको हम अच्छे से पीस लेते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप साथ में पानी ना ऐड करें, बल्कि इसमें 1-1 चम्मच करके आप ऐड करो। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड करके इसको पीसोगे तो ये वड़ा के शेप में आपको बनाने होगा नहीं, पहला चीज़। और दूसरा, वो वड़ा बहुत ज़्यादा तेल पिएगा जब इसको आप फ्राई करोगे। जो हमने उड़द दाल का बैटर है इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसको अभी हमें 5 मिनट तक अच्छे से विस्क करना है। ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि इसमें एयर कंटेंट जाए और अच्छे से फूल जाए। ऐसे आप इसको अच्छे से विस्क करोगे तो इसमें आपको बेकिंग सोडा डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप देख सकते हो मैं इसको विस्क कर रहा हूँ और ये अच्छे से फूल रहा है और सॉफ्ट हो रहा है। इसको आप 5 से 6 मिनट करो, ये अच्छे से और भी सॉफ्ट होगा। अब वड़ा का प्रॉपर कंसिस्टेंसी हुआ है कि नहीं ये चेक करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। 1 ग्लास पानी लीजिए। ये पानी में थोड़ा सा हम बैटर डालेंगे, ये इसका ट्रिक है। जैसे आप देख सकते हो
जो मेरा बैटर है ये ऊपर फ्लोट हो रहा है, ये इसका प्रॉपर कंसिस्टेंसी चेक करने का तरीका है। हमने एक कढ़ाई लिया है, इसमें हम वेजिटेबल ऑयल ऐड कर लेते हैं। एक बार तेल गर्म होने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम करके रखेंगे और इसमें वड़ा फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम इसलिए करेंगे ताकि अच्छे से वो ब्राउन कलर भी हो और अंदर से अच्छे से कुक हो। अब एक एक करके हम वड़ा फ्राई कर लेते हैं। अब इसको हम हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। वड़ा रेडी है, इसको अब हम गरम रसम के साथ सर्व कर लेते हैं। तो हमारा रसम वड़ा रेडी है, आप अपने अपने घर पे बनाओ ये इजी रसम वड़ा। दही वड़ा जितना ट्रेंडिंग तो नहीं है, बट रसम वड़ा अलग ही टेस्ट है। आप लोग भी इसको जरूर ट्राई कीजिए और आपका जो भी फीडबैक है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिसको रसम वड़ा नहीं बनाना है और सिर्फ रसम एंजॉय करना है, उनके लिए भी ये वीडियो काफी यूजफुल है। बस इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अंटिल देन टाटा।